नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं में एक उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को चूल्हे की तपन और धुएं से निजात दिलाने के लिए लागू की गई है, किंतु कुछ गैस एजेंसी संचालक इस योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एजेंसी वाले मुफ्त कनेक्शन देने के बजाय हितग्राहियों के रुपए ले रहे हैं। मामला बालाघाट जिले के करनापुर तहसील अंतर्गत ग्राम घोड़ सिवनी का है। मोहगांव खुर्द इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन देने के बजाय पात्र से 4000 रुपए लेकर कनेक्शन दिए हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तो एजेंसी संचालक ने हितग्राही के रुपए वापस कर माफी मांगी। मेरा नाम गीता राउत, वार्ड नंबर 4 हट्टा। मेरे को 800 रुपए में गैस मिला उज्ज्वला योजना। मेरा नाम गीता भाई है, हट्टा रहती हूँ। 800 रुपए दी। कौन सा कनेक्शन के? उज्ज्वला योजना। ये तो कनेक्शन निःशुल्क मिलता है, तेरे को 800 में कैसे मिला? उसने लिया ना पैसे, फ्री नहीं मिलता बोले। कौन सा एजेंसी में? बालाघाट वाली। कौन सी? उज्ज्वल अरियंत। हाँ, पैसे दिए जब कार्ड दिया, नहीं तो नहीं दे रहा। वो जो एक मिनट पूछता हूँ थोड़ी बार। पैंतालीस वर्ष हो रही है। तो मैंने मतलब गैस लेने के लिए इधर उधर बहुत फॉर्म आ रहे, तो कहीं से मेरा गैस नहीं निकला। फिर एक एजेंसी वाला मिला तो उन्होंने बोले कि 4000 रुपये लगेंगे, तो मैंने उनसे 4000 दे के गैस लाई थी। तो एक बार फिर वो मीडिया वाले आए, उनने पूछे मेरे को, तो मैंने बताई उनको कि हमने 4000 में कनेक्शन लेना है ऐसा करके। तो उन्होंने फिर वो यानी पत्रकार लोगों ने वो एजेंसी वालों से मतलब पैसे दिलवाए, वापस करवाए उन्हें, एजेंसी वालों ने वापस किए।